ये दिल तन्हा 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 ही रहे। अस्पंद अगर कहीं प्रपोजल भेजना चाहता है तो आप क्यों जिद कर रही हैं उसे? अरे तुम्हारा अकेलापन दूर ही तो करना चाहता हूँ मैं, इतना कतराती क्यों मुझसे? जी मैम, बिल करते हैं प्लीज। पहले इसका कर दे जल्दी में। मैम पहले आएंगे तो? अरे कर देगा तो क्या कर, कर देगा। गए अदील के अब्बा, हमारे पास भी कभी बैठ जाया करो, बैठो। बड़े प्यार से बुला रही, कोई ना कोई काम होगा। काम क्या होना है मुझे तुमसे? बस एक जरूरी बात करनी है, अगर ठंडे दिमाग से सुन लो तो। मैं ये कह रही थी कि भाई अगर सलमान भाई मिर्हा का रिश्ता नहीं देना चाह रहे अदील के लिए तो अदील क्यों जिद किए जा रहा है? उसको जिद्दी बनाए किसने? तुम ही उसकी हर बात को शह देती रहती हो ना, बेटा बेटा बेटा, अब भुगतो। अरे हाँ तो मैं कौन सा इनकार कर रही हूँ, है वो मेरा बेटा और वो भी मेरा लाडला, सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा अजीज है मुझे अदील। मगर उस मिर्हा को भी तो देखो ना, उसके नखरे देखे तो ये सोच रही हूँ कि बुढ़ापे में हमने जरूर तिगनी का नाच नाचने। ठीक है समझाता हूँ उससे, लेकिन तुम भी अपने भाई को समझाओ। मीरा के रिश्तों को ऐसी कौन सी लंबी कतार लगी हुई है जो हमें इनकार कर रहे हैं? कब जाएंगे दोनों? लेकिन वो नहीं चाह रहे ना अदील के साथ खपना। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो अदील के गुस्से से डर रहे हैं, ये भी तो भड़क जाते हैं हर बात पे। मैं कुछ बोलूंगा ना तुम भी भड़क उठोगी। ठीक है समझाता हूँ उससे, अल्लाह करे उसे मेरी बात समझ आ जाए। बड़ी मेहरबानी तुम्हारी, पागल करके रख दिया घर वालों ने। भाई तुम्हारा अकीदा पक्का हो या ना हो, मेरा अकीदा बहुत पक्का है। शाहू बाबा के दरबार की मशहूरी ही लड़कियों के रिश्ते की वजह से है। मैं तो कहती हूँ जाके चढ़ावा चढ़ा दो तुम भी, और अगर फिर भी रिश्ता ना हुआ ना तो भले मेरा नाम बदल देना। चढ़ावा? कैसा चढ़ावा? भाई जैसी जिसकी हैसियत, अपनी सोसाइटी की जुबैदा है ना, उसने 2 तोले का हार चढ़ाया था। कोई सोने का ताज चढ़ाता है, कोई अंगूठी चढ़ाता है, कोई छल्ला, और उनके गले में पैसे भी डाल सकते हैं। भाई ये तो अपने अपने लगन की बात है, वैसे शाह बाबा की दुआओं में बहुत असर है। अच्छा मैं चलती हूँ, कुछ चीजें भी देखनी मुझे। अरे क्या हुआ अम्मा, क्यों लेटी हैं यहाँ? लेटी हूँ अपनी मर्जी से लेटी हूँ, और वैसे भी तुझे क्या लगे? तबीयत ठीक हो या खराब हो, मरू या जीऊ, तुम्हें इन बातों से क्या लगे? तुम करो ना अपनी मनमानिया, अपनी जिंदगी खुशी से जी लो तुम, मेरा क्या है आज हूँ कल नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही है अम्मा? मेरा मेरा वाली बात पे नाराज है ना? जब तुझे पता है कि मैं उस बात पे नाराज हूं तो फिर क्यों पूछ रहा है? अपने बाप की तरह चस्के लेने की आदत नहीं जाती तेरी। अम्मा क्या? अम्मा चल हट, दफा हो जा यहां से चल। अम्मा अरे क्या अम्मा अम्मा लगा रखी है,
कितनी बार तुझे बता चुकी हूँ कि सलमान भाई बहाने बहाने से बार बार मुझे मना कर चुके हैं कि नहीं करूंगा ये रिश्ता, मगर तू है कि तेरी जिदे खत्म ही नहीं हो रही। अबे क्या करूं, बार बार जाके जूते खाऊं वहां से। अच्छा, जो मैं करूं वो दिखाई दे रहा है आपको, जो मामू कर रहे हैं वो नजर नहीं आता। वाह। हाँ ना, उनकी बेटी है, जहां मर्जी उसका रिश्ता करें, हमें दें दें ना दें ना दें, उनकी मर्जी। अब उठा के तो ला नहीं सकते बेटा। क्या आइडिया बुरा नहीं है अम्मा। मैं मारूंगी, मैं बता रही हूं तुझे, मार खाएगा मुझसे। अच्छा 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 अम्मा, एक शर्त है फिर मेरी। हाय मेरे अल्लाह, बोले शहजादा साहब, अब क्या शर्त है आपकी? एक आखिरी ट्राई मैं भी करके देखता हूँ। आखिरी ट्राई? नहीं, मैं मामू से जाकर पूछूंगा भाई आखिर बुराई है क्या मुझ पर, उसके बाद नाम भी नहीं लूंगा आपकी कसम। अच्छा अच्छा, जिद्दी तो तू है ही। जा जा मेरा बच्चा जा, जूते खाने का शौक है ना, जा खा ले जाके जूते। अरे लाजमी थोड़ी है अम्मा, हो सकता है मैं उसको यहाँ ले आऊं जूते खिलाने के लिए। तू नहीं बाजार, आप लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक नहीं। कुछ अच्छा सा मंगवा के खिला मुझे। मैं खिला दूंगा। खटमल हो गए अम्मा घर में। हाँ कुछ करती हूँ बंदोबस्त इनका। भाई तुम्हारा अकीदा पक्का हो या ना हो, मेरा अकीदा बहुत पक्का है। शाहू बाबा के दरबार की मशहूरी ही लड़कियों के रिश्ते की वजह से है। मैं तो कहती हूँ जाके चढ़ावा चढ़ा दो तुम भी, और अगर फिर भी रिश्ता ना हुआ ना तो भले मेरा नाम बदल देना, वैसे शाह बाबा की दुआओं में बहुत असर है। अम्मी क्या हो, डर गई? नहीं, वो मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, आपको देखा सोचा सलाम करके चला जाऊं। ओके सुनो। जी बेटा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। ओके ठीक है, कितने चाहिए आपको? 2.5 लाख। 2.5 लाख? अम्मी इतने पैसे क्यों चाहिए आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि 2-2.5 लाख रुपए क्या होते हैं, और चाहिए और पैसे दे दूंगा, लेकिन जरा वजह तो बताएं। अब पैसों के लिए तुम्हें एक एक जरूरत बतानी पड़ेगी, ये हैसियत है मेरी? अम्मी ऐसी बात नहीं है, और बता देने में क्या हर्ज है, बताएं ना क्या करता है इतने पैसों के साथ। असवन मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, किसी बाबा से दुआ करवानी है। फरीदा कह रही थी कि उनके दरबार पे जाके जो दुआ मांगो मन्नत पूरी हो जाती है, बस चढ़ावे के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं? मतलब अब दुआ कबूल करवाने के लिए आप पीर बाबों के पास जाएंगी? तुमने पैसे देने हैं तो दो, वरना मैं खाली हाथ नहीं बैठी हूँ, मैं खुद ले जाऊंगी अपनी बेटी को दरबार पे। अम्मी आप तुबा को किसी भी दरबार पर लेकर नहीं जाएंगी। सुन बेटा तू मेरी बात नहीं समझ रहा। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि क्या बात है, और अगर आइंदा आपने ऐसे सोचा तो मैं अब्बू से जिक्र कर दूंगा। असफन अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, बहुत हो गया, अब ये हिमाकत मत कीजिएगा, हद हो गई है। क्या बात है, आज तुम जल्दी जा रही हो? हाँ वो अब्बा की तबीयत नहीं ठीक। कोई काम? नहीं, अब तुम्हें देखने के लिए काम का होना जरूरी नहीं। घर बताया हमारे बारे में? देखो मेरा, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब मैं इतना बड़ा स्टेप उठा सकता हूँ तो तुम्हें अपने घर भी ले जा सकता हूँ, और वो भी सब लोगों की मौजूदगी में। अजीब से डर रहने लग गया है मुझे, अब्बा से शर्मिंदगी अलग, पता नहीं कैसे उनका सामना करूंगी, क्या बताऊंगी। देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है,
I promise you, मैं बहुत जल्द सबको सब कुछ खुद बताऊंगा, तुम्हारे अब्बा को भी। जी मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। जी जी खुदा हाफिज। मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकल रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, जस्ट कॉल मी, ओके? ख्याल रखना अपना। आई विल, ओके बाय। रेडी है ना? जाओ। हाँ जाओ। कहीं एजाज ना ये पैसे देख ले, फिर क्या देगा? दवाई के लिए 1,000 दे दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई वाह, क्या कहने हैं, हीरो लग रहा है मेरा बच्चा तो। कहाँ जाने की तैयारी है, और ये हाथ में क्या है? ये अब मेरा से मिलने जा रहा हूँ। आप भी चले ना साथ। आए रहने दे, मैं नहीं जाती उस मिरहा से मिलने के लिए। अरे अपने भाई के घर मैंने फोन किया, उस मिरहा ने उठा लिया। इतने बुरे तरीके से उसने मेरे साथ बात की कि क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरा तो दिल ही खट्टा हो गया भाई। तो आज मीठा कराते हैं ना, मिठाई लेकर चलते हैं। आज मैं खुद बात करने जा रहा हूँ उससे। मेरी तो तू कभी बात नहीं मानेगा। और मेरा बच्चा, चल जा तू, जा जा। मेरे खुदाया, कैसे समझाऊं इस जिद्दी लड़के को, अपनी मर्जी करेगा। पैसे कहां गए? ये तो मेरा अपना है ना, अगर इसमें से मैं कुछ वहां चढ़ा हूं। हाँ ये सही है, तुबा तुबा बेटा, तुबा। जी अम्मी जी। ओ,
तुबा जल्दी करो बेटा, ये चादर पहनो, चलो चले, कोई आ ना जाए। कहाँ जाना है? अरे मैंने तुम्हें कहा नहीं था दरबार पे जाने? चलो जल्दी करो। अम्मी मैं किसी दरबार पे नहीं जाऊंगी, असपन ने सख्ती से मना किया, वो नाराज हो जाएगा। अम्मी वो तो बेवकूफ आदमी है, तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो। अम्मी बस अभी आ जाएंगे। अम्मी मुझे नहीं जाना, आपको पता है मुझे ऐसी जगह से डर। मेरी बात मानो ना। दवाइयां वक्त पे नहीं ले रहे आप, तबीयत ऊपर नीचे रहती है आपकी। बस बेटा एज फैक्टर और कुछ परेशानियां भी तो है, तुम जानते हो। जी जी भैया। तुम सुनो, खैरियत से आए हो ना? ये अम्मी ने भेजा था, ये कुमारिया के लिए लेकर आई, मिर्हा के लिए भी ले ही साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही? कमरे में होगी, बुलाता हूँ। मिर्हा मिर्हा बेटा आना बेटा जरा। जी अम्मा आई। जी अम्मा। देख बेटा, तुम्हारी फूफा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। फोन कहाँ है? ओ, कमरे में। हाँ कमरे। मैं सर सुन के आया बेटा। भाई मेहमान यहाँ बैठे हैं, मेजबान गायब हैं, क्यों? आप जिनके मेहमान हैं शायद वो आपको लाउंज में कंपनी दे रहे थे। ये लाया था तुम्हारे लिए। लो, अरे लो, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्यों बार बार मेरे प्रपोजल रिजेक्ट कर रही हो? मुझसे अच्छा लड़का मिलेगा नहीं तुम्हें। क्योंकि अदील एक बद दिमाग और अक्खड़ शख्स के साथ मुझे अपनी जिंदगी जाया करने का कोई शौक नहीं है। अच्छा। और तुम मेरी फिक्र मत किया करो, मुझे तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। तुम जानती हो मेरा, मैं जिस चीज की ख्वाहिश करता हूं उसे पा लेता हूं, वरना बर्बाद कर देता हूं। अब तुम मेरी दिली ख्वाहिश हो। अच्छा खैर छोड़ो, ये मैं भूल जाता हूं कि मामू ने अम्मी से क्या कहा, पर मैं ये देखो वो क्या करते हैं फिल्म में, कुछ वो होता है ना, वो ये करते हैं ना वो हीरोस, ये कौन सी ठान? ऐसे पागल तो नहीं हो गए? हाँ तो छोड़ो मेरा अधीन, अधीन छोड़ो मेरा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घर वालों के मुंह पर मारूंगी ये मैं। अरे तुम्हारी जैसी फितरत है ना, मैं क्या कोई और लड़की भी मिल गई ना तो शुक्र अदा करना। अब ऐसा है मेरा कि इसका बदला तो मैं लूंगा। अब बच के रहना इस बद दिमाग आदमी से,
निकलो यहां से। क्यों अदील चला गया क्या? क्या बात है, तुम भी कुछ परेशान लग रही हो? खैर अब्बा, क्या वाकई आपको अदील में कोई खराबी नजर नहीं आती? क्या नक्शी क्या है उसमें? नहीं, बरसर रोजगार है, अपना घर है, फिर बचपन से देखा भाला है, रिश्तेदार भी है। हाँ जरा गुस्से का तेज है, ये थोड़ी सी खराबी है उसमें। आपके नजदीक ये एक छोटी सी खराबी है? बाप, आपने मुझसे मेरी पसंद का पूछा था, वो जल्द ही रिश्ता लेकर आएगा और मुझे यकीन है कि वो आपको जरूर पसंद आएगा, लेकिन फिलहाल इस अदील का टॉपिक बंद कर दीजिए प्लीज अब्बा। क्योंकि अदील एक बद दिमाग और अक्खड़ शख्स के साथ मुझे अपनी जिंदगी जाया करने का कोई शौक नहीं है। मुझे तुमसे बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। आइंदा ऐसी घटिया हरकत की ना तो तुम्हारी बजाय तुम्हारे घर वालों के मुंह पर मारूंगी ये मैं। अरे तुम्हारी जैसी फितरत है ना, मैं क्या कोई और लड़की भी मिल गई ना तो शुक्र अदा करना। तीन मेरा हाँ छोड़ो मेरा। चलो बेटा। अम्मी उसे चोट लगी है, उसे देखें तो सही। अरे रहने दो, इतने लोग हैं, देख लेगा कोई, घर भी चलना है। चलो अम्मी कम से कम रेस्क्यू को कॉल कर देते, उसे देखें तो सही जाके। पागल हो गई हो तुम, हमारा क्या काम है, पता नहीं कौन है। चलो तुम चलो चलो घर चले। आ गए आप दोनों, कहां से आ रहे और कहां लेकर गई थी तुबा को आप? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आप इसे दरबार लेकर गई थी ना अम्मी, मैंने मना भी किया था कि ऐसा मत करें, फिर भी। और तुम खबरदार जो आइंदा दोबारा इनके साथ गई, पता नहीं क्या पीरों से दुआ करने का शौक पड़ गया आपको, पता नहीं किन पीर बाबों के चक्कर में पड़ गई आप भी। क्या हो गया यार? बस क्या हुआ? अरे 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 क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे ये इस तरह क्यों चल रहा है तू? अरे माँ सत्या जाए मेरा बच्चा, बिठा बिठा भाई को बिठा। कुछ नहीं। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे, इतनी चोटें लग गई मेरे बच्चे को, मैं सत्या जाऊँ तकलीफ तो हो रही होगी। अरे कहाँ से इतनी चोटें लगवा के आ गया? कुछ नहीं हो गया,
छोटा सा एक्सीडेंट हुआ बस। छोटा सा एक्सीडेंट? अरे एक्सीडेंट भी कभी छोटा या बड़ा होता है, वो तो एक्सीडेंट होता है ना। अरे हुआ क्या बताना मेरा बच्चा, क्या हुआ क्या? अरे चिल्लाना तो बंद करो अम्मा, अरे मोहल्ले को सुनाओगी क्या? अंदर जा रहा हूं मैं, लेट हूं आराम से। अरे इधर ही बैठ जाना माँ के पास, यही बैठ जाता मेरे पास मेरा बच्चा। हाय मेरे अल्लाह, या अल्लाह क्या करूं। अम्मी मुझे तो खाना, तो भूख लग रही। अरे मर गई तेरी भूख, नजर नहीं आ रहा भाई बेचारा चोटे लगवा के आया है, उसे ना देखू और तुझे खाने खिला दू, कोई शर्म नहीं है तुझे? जो कुछ भी हुआ है ना उसके गुस्से की वजह से हुआ होगा, जिससे टक्कर होगी यकीनन लड़ा होगा उससे। शुक्र करें पुलिस तक बात नहीं पहुंची, कहां थाने कचहरी के चक्कर लगा रहे होते हम। अरे तो क्या हो जाता थाने कचहरी, अपने बच्चे की खातिर मैं थाने कचहरी में देख लेती, देखी जाती। लेकिन एक बात मेरी समझ में, हाँ सत्यानाश जाए उसमें रहागा, यकीनन उससे झगड़ा किया होगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा, तभी तो मोटरसाइकिल लग गई उसकी। अल्लाह ही पूछे तुझे मेरा, मैं देखूं तो सही जाके अपने बच्चे को दूध दूं, फटकरी डाल के दूं दूध में। मिराग क्या बात है, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? रोना तो और क्या करूं, तुम्हारे कहने पे मैंने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया असमन, लेकिन तुम तो उसके बाद से खामोश हो। एक कागज का रिश्ता बांधकर तुम चुप कर गए हो। मुझे ये बताओ कि यहाँ अगर अब्बा ने मेरा रिश्ता किसी और के साथ बांध दिया, मैं क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी? तो मेरा तुम चाहती क्या हो यार, अगर कहो मैं कल ही आकर तुम्हारे अब्बू को सबको साफ साफ बता देता हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा, फिर जो होना होगा देखी जाएगी। हाँ जहाँ भी रहना पड़ेगा रह लोगी ना तुम? क्या मतलब इस बात का अस्पन? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे रिश्ता लेने, और अब तुम कह रही हो कि तुम मुझे अकेली को ले जाओगे? तो मैं क्या करूँ यार, अम्मी की भी तो वही रट ना, पहले तूबा पहले तूबा। अच्छा देखो मैं बात करूंगा उनसे, ओके? लेकिन प्लीज रिलैक्स और रोना बंद करो, ठीक है? अब मैं फोन रख रहा हूं। सही क्या हुआ मेरा बेटा, दबा दूं दबा दूं? अधीर देख बेटा, अब तो तेरा गुस्सा कुछ उतर गया, तो बता देना हुआ क्या है, गृह से लड़ाई हुई या कुछ कहा उसने? अरे जो भी कहा शक्ल नहीं देखूंगा उसकी। अरे उसने मुझे इनकार किया अम्मा, अदील को पछताएगी, देख लो। ए दफा दूर हो, वो मेरा जाके मरे कहीं, तुझे कोई लड़कियों की कमी थोड़ी है? अपने बेटे के लिए ऊंचे घर की लड़की लाऊंगी, खूबसूरत होगी, जो अंदर बैठेगी ना तो बाहर तक रोशनी जाएगी। मेरा बेटा तू फिक्र ना कर, तेरी माँ जिंदा है अभी। अच्छा सुन,
ना सताया कर अपनी माँ को बच्चा। तेरी वजह से मैंने भी कुछ नहीं खाया, भूखी फिर रही हूँ। ये चीज मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी जान का टूटा है। बिस्मिल्लाह, गुस्सा ऐसे ठंडा होगा नहीं अम्मा। ये दर्द तो चला जाएगा एक दिन। मेरा को मैंने इन्हीं पदों में ना गिराया, मेरा नाम बदलता। हाँ क्यों नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माँ सदके माँ शकरे छोटा सा काका मेरा। ऐशा भाई ना परेशान हुआ करे मेरे लिए, खाना पीना छोड़ देती हैं। या अल्लाह, मैं अपनी मर्जी से लड़की नहीं बनी, तेरी रजा से इस दुनिया में आई। मुझे मेरे माँ बाप के लिए इम्तिहान ना बना। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस मुश्किल से मेरे माँ बाप को निकाल दे। इस तरह मत रोए प्लीज, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कैसे न रोऊं मैं, अपनी जगह सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। गलती की वजह मैं हूं। आप ही प्लीज प्लीज मत रोए, प्लीज मत रोए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल इम्तिहान बन गई हूँ मैं, मुश्किल इम्तिहान बन गई हूँ मैं। कोई बात करनी है क्या? जी अम्मी, वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे, लेकिन प्लीज जरा आराम से मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं भी तो बेटा हूं ना आपका। कहो। अम्मी, जैसे आप और अबू तुबा के लिए परेशान रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मेरा के वालिद भी उसके लिए फिक्रमंद हैं। उसकी तो वालदा भी नहीं है। इस वक्त मेरा दिमाग तुबा की परेशानी में उलझा हुआ है। मैं तुम्हारी शादी तो क्या मैं निमरा तक के लिए नहीं सोच सकती। तो अम्मी, मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ कि मैं शादी की बात तो कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लीज आप एक बार उनके घर हो आए, एटलीस्ट एक नजर उसे देख ले। मैं मिन्नतें कर रहा हूँ आपकी। इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? क्यों इतने उतावले हो रहे हो? क्या करूंगी जाकर देखकर? देखो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जाकर किसी की बेटी को देखूं और फिर इंतजार की सूली पे लटकाऊं। नहीं अम्मी, देखिए आप बात को समझ ही नहीं रही। उसके बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, ऊपर से उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में उसका रिश्ता कहीं कर दें। तो कर दें। वो एक लड़की नहीं है जिसपे तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हो जाती है ना अम्मी, मेरी दिल की दुनिया, मेरी हर ख्वाहिश मेरा तक जाकर खत्म हो जाती है।
अभी सच तो ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा के वालिद जल्दबाजी में उसका फैसला कहीं और करते। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि मेरा ही इस दुनिया की आखिरी लड़की है मेरे लिए। आप प्लीज एक बार तो उसके घर आएं। मैं पहले ज़हनी दबाव का शिकार हूँ। अभी लोग तुबा को बड़ी कहते हैं इस उम्र में, अगर छोटे भाई की शादी हो गई तो लोग उसको बूढ़ी कहेंगे, समझे तुम? जाओ अब। आ गया बेटा, आ जा, खाना लगा हुआ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीता रहे। आ जा, खाना भी खा, और बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गया, जरूरी बात भी करनी है तुझसे। भाई वो रक्षंदा नहीं है भाई, मलकों के घर के साथ जिसका घर है उसकी बहन रिश्ते करवाती है ना, तो अपने अदील के लिए उसने बहुत ही अच्छा एक रिश्ता मुझे बताया। वो बता रही थी कि लड़की का जो बाप है उसका फर्नीचर का अपना शोरूम है, भाई भी अच्छी नौकरी पे लगा हुआ है, ज्यादा गिचमिच भी नहीं है, छोटी सी फैमिली है, अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने वहाँ लड़की देनी है या वहाँ से लेनी है, जो घर वालों की इतनी खूबियाँ बयान कर रही हो, लड़की कैसी है ये बताओ? अरे जब खानदान इतना अच्छा है, घर वाले इतने अच्छे हैं, तो लड़की भी अच्छी होगी। हाँ तो अदील बेटा वो बता रही थी कि लड़की जो है माशाल्लाह से उसने एमए किया हुआ है, खूबसूरत तरीन बच्ची है, और ऊपर से शरीफ फैमिली। अगर तुम कहो तो बात करूं, बोलो तो सही कुछ भाई। लड़का से अच्छी लड़की चाहिए मुझे। ये दिल तन्हा तन्हा तन्हा।